हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे मीन या एरिथमेटिक मीन, जिसको कि हम लोग कहते हैं समानांतर माध्य। समानांतर माध्य की परिभाषा एवं समानांतर माध्य की गणना करने की जो विधियां हैं वो। समानांतर माध्य की परिभाषा ऐसा हो सकता है कि समानांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों के योग को अगर उनकी संख्या से भाग देना दे तो उससे प्राप्त होता है। समानांतर माध्य को सैक्रिस्ट ने परिभाषित किया है एक समंका माला के पदों के मूल्यों के जोड़ में उनकी समंक संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। अरिथमेटिक मीन इज अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द आइटम्स इन अ सीरीज बाय देयर नंबर्स। समानांतर माध्य तीनों श्रेणियों के में उसकी गणना की जा सकती है। जैसे हम जानते हैं तीन श्रेणियां होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी एवं सतत श्रेणी। अगर जैसे कि हमने चित्र में दिखाया है, व्यक्तिगत श्रेणी में जो फ्रिक्वेंसी होती है या आवृत्तियां होती हैं वो नहीं होती हैं, यानी संख्याओं की आवृत्तियाँ नहीं होती हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी का जो आपका मेथड है या जो विधि है उसमें दो तरीके से हम लोग जो विधि है उसमें दो तरीके से कर सकते हैं। एक विधि है आपका प्रत्यक्ष रीति, दूसरा है लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति में जो आपका सूत्र होगा वो होगा x बार बराबर समेशन x बाई n। x बार बराबर समेशन x बाई n, इसमें x बार जो है माध्य है और समेशन x जो है वो एक्स श्रेणी के पदों का योग है और एन जो है वो पदों की संख्या है। जैसे सब मान लेते हैं, उदाहरण स्वरूप जैसी किताब में आप देख रहे हैं कि यह एक प्राप्तांक है 65, 45, 75, 50, 55, 40, 75, 50, 85, 60। ये मार्क्स हैं, इनको हम जोड़ देंगे तो हमको समेशन एक्स मिलेगा। जोड़ेंगे तो आएगा 600 और एक्स बार या मीन निकलेगा 600 भागा 10। इन संख्याओं जितनी भी संख्या उसमें कितनी विद्यार्थी हैं तो 10, तो भागा देंगे 10 से तो आएगा 60। तो यहाँ समानांतर माध्य होगा आपका 60। इसकी दूसरी जो रीति है उसे हम लघु रीति कहते हैं या शॉर्टकट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अवलोकनों की संख्या कम होने की दशा में उनका योग करना सरल काम है, लेकिन अवलोकन की संख्या बढ़ने पर यह गणना करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग अप्रत्यक्ष विधि या लघु रीति का प्रयोग करते हैं गणना को सरल बनाने के लिए। लघु रीति में प्राप्त माध्य भी प्रत्यक्ष रीति द्वारा प्राप्त माध्य के बराबर ही होती है। इसमें जो सूत्र होगा वो होगा x बार बराबर a प्लस समेशन dx बाय n। यहाँ पर x बार जो है माध्य है, यहाँ पर आपका a जो है वो एज्यूम्ड मीन है, काल्पनिक माध्य है जिसे हम मान लेते हैं। dx जो है वो है x माइनस a, ठीक है, जिसे हम निकालते हैं। फिर dx का हम लोग योग करते हैं जिसे हम लोग समेशन dx कहते हैं, और n जो होता है वो संख्याओं की जो आवृत्ति होती है। तो मान लेते हैं जैसे हमारा यही वाला ये सेम टेबल है, इसमें हम कैसे निकालेंगे तो हम मान लेते हैं इसमें हम dx निकाले x माइनस a, मतलब पहला मार्क्स हम लोगों का अगर 60-65 था और हम लोग a लिए हैं मान लेते हैं 55 को, तो 65-55 क्या होगा x माइनस a, तो हमारा क्या पहला है 65-55 तो आ जाएगा 65-55 मतलब 10। उसके बाद सेकंड में होगा 45, तो 45-55 क्या हो जाएगा -10। इस तरीके से हम लोग पूरा निकालेंगे, माइनस को जोड़ देंगे, प्लस को अलग से जोड़ेंगे, माइनस को अलग से जोड़ेंगे, दोनों को घटाएंगे, जो आएगा वो हमारा होगा समेशन dx। अब x बार बराबर a जो हम लोग माने थे 55 प्लस समेशन dx जो मान आया जोड़ के वो भागा n जो है हमारा क्या है यहाँ 10 है, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो 60 होगा। जैसा हमारा प्रत्यक्ष रीति में उत्तर था यहाँ पर भी वही उत्तर होगा, खाली विधि में अंतर होगा।